आपने देखा आंटी, आज जमील कितनी खुश लग रही थी। हाँ, लगता है दोनों का पैचअप हो गया है। क्या मेरा मतलब है, दोनों एक दूसरे का समझने लगे हैं। और मैं भी तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। आज मैंने उन्हें इतने टाइम के बाद एक हैप्पी कपल की तरह देखा है। हाँ, समझदार हो गई है समर, बचपना खत्म हो गया उसका। आपका बेटा भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर आपके बड़े भाई साहब चले थे। क्या मतलब? आज एक बात की है उसने मुझसे। क्या? एक लड़की का जिक्र कर रहा था जो जिसके वालिद फौत हो चुके हैं और वालदा सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। ऐसा राफील ने कहा? जी। तो फिर तुमने क्या कहा? नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया है। मेरे में हिम्मत नहीं है ऐसे खानदान में बेटे को ब्याहने की। लड़की कौन है? पता नहीं, ना उसने कुछ जिक्र किया ना मैंने पूछा। और वैसे भी मैंने पूछ कर क्या करना था, होगी कोई भी, मुझे क्या? पूछ ही लेना था। हो सकता है वो लड़की बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम राफेल के लिए बहू ढूंढ रही। आप राफेल की साइड ले रहे हैं? तुम्हें इसमें क्या बुराई नजर आती है? आपको अपने बड़े भाई साहब की जिंदगी की मिसाल भूल गई है? बड़ी भाभी हर वक्त अपने मैके को भरती रहती थी, ना वो कारोबार सेट कर सके, ना कोई ढंग का घर बना सके। वही पुराना आबाई पांच मरले का घर, ना बेटी के लिए कुछ बनाया ना बेटे के लिए कुछ जोड़ा। तो तुम ये रिश्ता खत्म करना चाह रही? भाई मैं तो बहुत डर गई, सीधी सी बात है। तो ठीक है, फिर तुम अपने बेटे राफील को खुद समझा दो ये तुम माँ बेटे का मसला है। मुझे तुम लोग जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, आप भी उसे कुछ समझाएं। मैं भी उसको समझा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन अगर वो मुझसे खुद बात करेगा तो मैं खुद बात की शुरुआत नहीं करूंगा। वो आपसे जरूर बात करेगा, मेरे इनकार के बाद वो आपके पास ही आएगा। चलो देखते हैं, मैं उससे बात भी कर लेता हूँ, उसको समझाता भी। चलो। आज बहुत मजा आया। हाँ, इतनी बार शॉपिंग की है लेकिन आज आपके साथ करके बहुत अच्छा लगा। चले पारिस, आज हम डिनर बाहर करें। क्यों नहीं? यार सादिया ठीक कह रही। किस बारे में? यही दिस स्टेटस डिफरेंस इन ऑल। मैं समझा ना। तूने अपने घर वालों को अरीबा के लिए कैसे मनाया था? यार मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, वो समझ ने बात कर ली। ओ यार, तेरी तो बहन थी बात करने के लिए, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, क्या करूँ। तो ये सीन है। यप। वैसे यार मेरी बात अलग है, मुझे लगता है कि अरीबा इतनी प्यारी थी कि अगर जमल बात ना भी करती ना तो मॉम डैड मान जाते। क्या मैंने कोई गलत बात कर दी? मुझे लगता है कि अभी भी अरीबा के लिए तेरा दिल साफ नहीं हुआ। मेरे दिल कभी उसकी तरफ से बदगुमान था ही नहीं जो साफ हो। मगर तू तो अरीबा को पहले दिन से ही पसंद नहीं कर रहा था ना? वो तो अभी भी नहीं। और फिर भी तू उसका बहनोई बनने के बारे में सोच रहा है? सादिया से शादी करने का फैसला मैं कर चुका हूँ, और अरीबा उसकी क्या लगती है डजंट रियली मैटर। वैसे फोन पे तो तेरी पूरा दिन बातें होती होंगी अरीबा से। अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं। क्यों यार, वो सारा दिन जॉब पे रहती है, फिर घर आती है तो घर के काम, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार मैं उसे डिस्टर्ब करूं। और वो जो तू उसे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा था घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसका क्या बना? यार वो भी उसे कुछ खास पसंद नहीं, कहती है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, ड्राइवर नहीं। मैं पागल है। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। अच्छा चल यार, वो गाना मिक्स करना है मैंने। चल।